और मम्मा रेडी हो गया है। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है बाबू? घूमू जा रहा है ना, बता दू बता दू। ओहो बेटा, पापा आ रहे, पापा आ रहे, तो चले आओ, फोटो खींचने आओ, फोटो खींचे। तो गाइस मैं अभी चल रही हूँ, आज आपको ले चल रही हूँ हल्दी की पार्टी में, हल्दी मेहंदी की। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। और यहाँ गुगु मिला है, हल्का येलो है ना, लाइट येलो कलर है, और मम्मा पहन ली येलो येलो। हम चल रहे पार्टी में, चलिए। तो लो जी, हम आ गए हैं वहाँ पे जहाँ पे हल्दी है उस घर पे। तो ये है पूरा घर का लुक, बाहर से बहुत अच्छा लग रहा था, अंदर से मैं होम टूर बाद में दूंगी घर का, क्योंकि अभी ये घर बहुत जल्दी बना है, नया बना है, अभी एक हफ्ते हुआ इसका गृह प्रवेश हुए। और ये रहे भैया भाभी जिन लड़के का आज हल्दी है, तो यहाँ पर अभी पूजा वगैरह हो रही है। यहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो सब लोग बाहर निकल चुके थे मेहंदी हल्दी जाने के लिए। तो यहाँ पे अभी फोटोशूट चल रहा है, ये बीच में जो सफ़ेद शर्ट में ये भैया हैं, मतलब इनके दूल्हे के पापा। और यहाँ पे मुझसे पता नहीं क्या सब लोग बोल रहे थे किस लिए, तो मैं यहाँ पे मना कर रही हूँ। और यहाँ पे चल रहा है फोटोशूट, यहाँ पे पीले कुर्ते में लोग थे, यहाँ पे अभी हम लोग भी आ गया, हम लोगों का नंबर। और जब तक यहाँ पे फोटोशूट था तब तक आव्या का मुँह खुला का खुला रहा, आप लोग ये नोटिस कर सकते हैं, बहुत देर बाद जाके बंद हुआ था। और इसके बाद शुरू हो रहा है डांस का जलवा, तो अभी देखिएगा शुरू हो रहा है यहाँ पे। ये दूल्हे की बहन है, दोनों बहन है, तो ये लोग फाइनली तैयार जब हुई थी। यहाँ पे दूल्हे की बहन बुआ, और यहाँ पे देखिए मुझे भी खींच लाया गया है, भाभी आइए आइए आइए। तो दीदी का भी खींचा जा रहा है, लेकिन कोई इरादा नहीं था डांस वगैरह करने का, हम लोग खड़े थे, लेकिन फिर जब हल्दी मेहंदी में जाइए तो कहाँ बचना है फिर डांस वगैरह से। तो चलिए हम लोग भी शुरू हो गए हैं डांस।
तो यहाँ पे जो दूल्हे राजा हैं इन्होंने शर्माते हुए शुरू कर दिया है डांस करना, बहुत ही शर्मीले हैं लेकिन नेचर के जो है बहुत अच्छे भैया हैं, तो यहाँ पे ये शुरू कर दिए हैं अपना एंजॉय मस्ती करना। और मैं बता दूँ ये शादी जो हो रही है बहराइच से हो रही है, और मेरे रिलेशन में मतलब आती हैं इनकी वाइफ, मेरी भाभी की सिस्टर लगती हैं, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था इस शादी में मुझे। अव्या को यहाँ पे क्यों खड़ी है, यहाँ पे भैया से कह रहे हैं कि अपना ये ड्रम जो है नीचे रख दीजिए, मैं इसको बजाऊंगी, आप लोग मत बजाइए। इसके लिए बहुत जिद करी थी, तो यहाँ पे भैया ना उसको बाद में मतलब इधर हल्दी हो भी रही थी और उधर वो इतना रो रही थी, मतलब बंद करवा रही थी बंद होने के लिए, तो यहाँ पे भैया देखिए उसको बैठा दिए ऊपर, तो भैया यहाँ पे उसको ऊपर ढोलक के ऊपर बिठा लिए हैं और यहाँ पे अब बजवा रहे हैं। तो बहुत खुशी थोड़ी देर तक बैठी थी लेकिन बजाने को दे ही नहीं रही थी, और भैया से स्टिक लेके और देखिए बजवा रहे हैं तो खूब बजा रही हैं, उनको बस कहीं अच्छा नहीं लग रहा था, यही सब उनको करना था। फाइनली इसके बाद मतलब बहुत सारे लोग हल्दी की रस्म किए, इसके बाद अब मेरा भी नंबर आ गया था हल्दी के लिए, तो आव्या को भी हल्दी लगाना था लेकिन वो उसको छू ही नहीं रही थी, उसको अजीब सा लग रहा था, गिन लग रहा था, तो वो ले नहीं रही थी लेकिन उनको बहुत मन कर रहा था लगाने को, तो यहाँ पे आ गई हैं, बैठ गई हैं लगाने हल्दी। तो यहाँ पे सब लोग लगा चुके हल्दी, इसके बाद ये इनका डॉगी बचा था, ये जो मतलब भाभी का डॉगी है, पेट है इनका, तो ये यहाँ पे लेके आई उसको बाद में, उसके साथ मतलब उसको भी हल्दी लगानी थी भैया को, तो यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा था इस डॉगी के साथ, फोटो शूट वगैरह हो रहा था, वीडियोस बन रही थी, इनसे हल्दी लगवाया गया था, तो वो सारी वीडियोस खैर यहाँ पे नहीं है लेकिन अभी थोड़ी सी मैंने रिकॉर्ड कर ली है कि वो मतलब फोटो शूट हो रहा है, उनका वीडियो बन रहा है, स्पेशली इसलिए उनको लाया गया था, तो यहाँ पे ये चीज़ें अच्छी लग रही थी देख के। और आव्या ने देख के जूजू उसकी मोहल्ले में है ना, तो उसके लिए उसको बुला रही थी। और इसके बाद यहाँ पे अभी हम लोग कुछ करा रहे हैं फोटो शूट वगैरह, यहाँ मामी सास वगैरह हैं, मामी सास की बेटी उटी सब लोग यहाँ पे आए थे, नानी वगैरह आई थी, तो वही सब लोग यहाँ पे मिल रहे थे हमारे, मतलब ज़्यादातर रिलेशन मामा के यहाँ का है ना थोड़ा सा, तो वहाँ पे सब लोग अभी आए हैं, हम लोग भी आए थे। और जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया कि जिम्मेदारी, तो वहाँ मेरे घर पर कोई नहीं था, मुझे यहाँ आना पड़ा, वैसे अगर सब लोग होते तो मैं नहीं आती, आज मैं शादी में आती। और इसके बाद यहाँ पे देखिए अब शुरू हो गया हम लोगों का खाना पीना, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, आना भी था, तो और मेरे साथ देखिए मेरे मामा की बेटी वगैरह भी खाना खा रही हैं, स्वाति जिसके भी शादी थी पिछले साल, ये रही स्वाति, और ये दोनों मामा की बेटियां हैं,
और खाना वगैरह होने के बाद यहाँ पे शुरू हो गई थी मेहंदी की रस्म। तो यहाँ पे अभी लगाई जा रही मेहंदी और सबका ड्रेस चेंज हो गया मेहंदी कलर में, लेकिन मैंने नहीं चेंज किया क्योंकि यहाँ पे मतलब मैं एलो हल्दी के लिए गई थी स्पेशली। देखो मिट्टू अबे यहाँ मिट्टू से मिलने आई है, जाओ बोलो मिट्टू से, बोलो जाओ फिंगर दो, फिंगर दो, फिंगर दो, काट लो काट लो। ये भाजी है, अब उसी के पास रहेंगे, मिट्टू के पास इनको रहना है। ये मिट्टू बैठे हैं, क्यों नहीं मेरी काट रहा है, देखो ये किसी फिंगर नहीं पकड़ता है, तो बहुत सीधा सीधा है, किसी फिंगर नहीं पकड़ रहा है। तो इसके बाद मैं आ गई थी सेकंड फ्लोर पे भाभी का घर देखने, क्योंकि अभी जल्दी में गृह प्रवेश था तो मैं नहीं आई थी, दीदी वगैरह आई थी। तो यहाँ पे दीदी अभी लाई हैं, और अगर भाभी वीडियो देख रही होंगी तो आपका घर बहुत ही अच्छा बना है। और इसके बाद जो है ये दोनों मतलब सेम बना है, जैसे नीचे वैसे ऊपर ही दो पार्ट में बना है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।